झारखंड जदयू के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि एक जमाने में झारखंड में 11 सीटें हुआ करती थी। यहां के लोगों ने जदयू से सांसद चुन के भेजा था। आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव हैं। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए संगठनात्मक मजबूती को लेकर बैठक आहूत कर रहे हैं। बैठक में तय किया जाएगा कि हमारी पार्टी की स्थिति फिर से झारखंड में कैसे वापस आ सकती है। उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पहुंचे। रांची अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। झारखंड जदयू के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ललन सिंह एवं अशोक चौधरी का स्वागत किया गया। अगले 2 दिन झारखंड जदयू अपने संगठनात्मक मजबूती को लेकर बैठक करेंगे। ललन सिंह खुद यहां के पदाधिकारी को टिप्स देंगे, मंत्रणा होंगी। मौके पर अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कैसे और धारदार बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए और हमारे आने वाले चुनाव में हमारी रणनीति क्या होगी, कैसे हम इस प्रदेश में भी मजबूती से खड़े हों। हम लोगों की ये चिंता है कि पहले यहाँ पर 11 पार्टी के विधायक हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली अब एक ही नहीं है। आने वाले वर्ष में यहाँ पर लोकसभा विधानसभा दोनों का चुनाव है, हम अपनी पैठ कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पार्टी को फिर से यहाँ कैसे खड़ा कर सकते हैं, उस पर गहन चिंतन मंथन होगा और उस पर हम लोग काम। सहयोगी दल से क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी क्या? ये अभी हम आई थिंक कि वो बहुत अर्ली स्टेज है। हम अभी पार्टी नीतीश जी भी आ रहे हैं, नीतीश जी के भी आने का भी संभावना है और हम लोग चाहते हैं कि वो भी आए और एक बड़ी मीटिंग को यहाँ एड्रेस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सवरंग समाचार।